दोस्तों नवल रवि का जो कि इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक के ये दावा किया कि आप मुझे दुनिया के किसी भी देश में छोड़ दो जहां नॉर्मल से इंग्लिश बोली जाती हो और मैं 5 से 10 सालों के अंदर अंदर ही एक गरीब इंसान से खुद को करोड़पति बना करके दिखा दूंगा, क्योंकि भाई मुझे ऐसा सीक्रेट पता है जिससे कि मैं इस मिडिल क्लास ट्रैप से चुटकियों में बाहर निकल सकता हूं। सिमिलरली ऐसा ही कुछ साइचिरो होंडा, जिन्होंने होंडा कंपनी की शुरुआत की थी ना, उन्होंने भी अपने समय पर यही कहा था कि आप चाहे तो मुझसे सारे पैसे ले लो और मुझे बस कुछ सालों का समय दे दो, मैं वापिस से उतना ही रिच बनकर दिखा दूंगा, क्योंकि भाई मुझे रिच बनने का सीक्रेट पता है। तो भाई यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं जो इन्हें पता है लेकिन हमें नहीं पता, और क्या सच में ऐसा कोई सीक्रेट है जिसे जानकर हम एक्चुअली में मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ये सब बातें हमें क्यों नहीं बताई जाती, और ये मिडिल क्लास ट्रैप भाई होता क्या है? क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों लोग भी कोई राजघराने से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये भी एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से ही निकल करके आए थे और वहीं से वो मिलियनर बने। तो फिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो इन्हें पता है लेकिन हमें नहीं पता? तो दोस्तों आज हम इन्हीं सारे सवालों से पर्दा हटाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर रिसर्च एंड एविडेंस के साथ प्रूव हो चुकी है ना, वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसके लिंक एंड डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो ही ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग, मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्त शुरुआत से शुरू करते हैं। अब यूं तो मिडिल क्लास को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं भारत की बात करूं तो PEW ने अपनी रिसर्च में साफ साफ तौर पे ये कहा है कि अगर आप इंडिया में रहकर हर दिन ज्यादा नहीं 800 रुपए से लेकर 1600 रुपए हर दिन कमा रहे हो, तब आप कह सकते हो कि आप एक मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हो। यानी कि अगर आप एक ऐसे फैमिली में हो जहां पे मिनिमम 4 लोग रहते हैं, तब आपको मिडिल क्लास की कैटेगरी में आने के लिए आपकी फैमिली इनकम हर महीने की 96,000 से लेकर 1,92,000 के बीच में होनी चाहिए। और भाई आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 2-3% ही ऐसी फैमिली है जो इस डेफिनेशन के हिसाब से असल में मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है। बाकी के सब लोग भाई बस इसी इल्यूजन में जी रहे हैं कि भाई वो मिडिल क्लास है, जबकि रियलिटी में वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के बीच में फंसे हुए हैं। यानी कि अगर आपकी हर दिन की कमाई 100 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में है, तो दोस्त समझ जाओ कि आपको बस झूठा दिलासा देकर बड़ी ही चालाकी से इस मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसाया गया है। कैसे? चलिए मैं दिखाता हूँ। अब दूर से देखने पर तो सब सही लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कमाई भी ठीक ठाक हो रही है और घर में 4 पैसे भी आ रहे हैं, और उन पैसों से थोड़े बहुत महंगे शौक भी पूरे हो रहे हैं। बाकी दूर से देखने पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती, लेकिन भाई असल में सच्चाई कुछ और ही है। जैसे कि एक मिडिल क्लास इंसान के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि एक गरीब इंसान के पास भी मिडिल क्लास इंसान से ज्यादा सुकून भरी जिंदगी होती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अमीर होने की ख्वाहिश और गरीब होने के डर में जीता है। जैसे कि एक गरीब इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में करवा देता है जहां उसे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट एजुकेशन दिलाने के चक्कर में बिना सोचे समझे अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल करवा देता है जिनकी फीस के तले बेचारे वो जिंदगी भर दबकर रह जाते हैं। क्योंकि भाई देखा जाए तो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए एजुकेशन एक लौता ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से वो ट्रैप से एक्चुअली में बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब मिडिल क्लास पेरेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों को शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, ताकि वो खुद ना सही एटलीस्ट उनके बच्चे तो इस ट्रैप से बाहर निकल सके। अब देखा जाए तो इस सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों का भला ही सोचता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि मिडिल क्लास पेरेंट अपने जेब से भले ही गरीब हो, लेकिन वो अपने दिमाग में भाई रिच होता है, और वो डिसीजन भी ऐसे ही लेता है कि चाहे अपना घर जायदाद सब बेचना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को भाई टॉप लेवल की एजुकेशन दूंगा। और इसी सोच के साथ मिडिल क्लास पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं, जिसका नतीजा भाई ये आता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए करीब करीब 30 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। वहीं अगर कॉलेज फीस की बात करें तो वहाँ पे भी वो करीब करीब 20 लाख रुपए तक का खर्च उठा लेते हैं, यानी टोटल हो गए 50 लाख रुपए। वहीं अगर किसी मिडिल क्लास पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया तो वहाँ पे तो भाई 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आ ही जाता है। यानी कि एक बच्चे की पढ़ाई के पीछे एक मिडिल क्लास पेरेंट्स कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्त असल प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब इतने पैसे लगाने के बाद भी बच्चों को भाई जॉब नहीं मिलती, और अगर ऐसे में कोई ठीक ठाक जॉब मिल भी गई तो वो बेचारा बच्चा पूरी जिंदगी पैसे कमाने के बारे में नहीं बल्कि अपने एजुकेशन में जो पैसे खर्च हुए थे ना उसे वापस लाने में लगा रहता है। अब अगर इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचिए तो अगर आप ऑन एन एवरेज 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कोई भी बैंक में 1 करोड़ रुपए की FD करवा देते हो तो बैंक आपको हर साल कम से कम 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, वो भी बिना कोई एफर्ट के, बिना कोई मेहनत के, जो कि महीने का
होता है करीब करीब 58,000 रुपीस, जिसका मतलब हुआ कि एजुकेशन में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर जॉब के पहले दिन से अगर आप 58,000 रुपए महीने नहीं कमा पा रहे हो तो समझ जाओ दोस्त कि आप एक बहुत बड़े लॉस में जा रहे हो। और भाई अक्सर मिडिल क्लास पेरेंट्स इस पहलू के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, जबकि भाई रियलिटी देखे तो SCL जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भारत में 10 साल पहले यानी कि 2013 में एक फ्रेशर एम्प्लॉय जिसने अभी अभी कॉलेज कंप्लीट की होती है ना उसे 25,000 रुपए की सैलरी दे रही थी। अब पिछले 10 सालों में महंगाई ने तो आसमान छू लिया, लेकिन फिर भी 2023 में SCL अपने फ्रेशर को सिर्फ 30,000 रुपए की ही सैलरी दे रही है। और आने वाले 10 साल में ये बताया जा रहा है कि 2033 में ये सैलरी बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 36,000 के आसपास ही पहुंचेगी। मतलब कि आप खुद ही देख सकते हो भाई कि जिस बच्चे ने लाखों रुपए फूंक कर दिन रात पढ़ाई की है उसे सिर्फ अपने पढ़ाई में खर्च किए हुए पैसों को ही वापस रिकवर करने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लग जाएगा भाई। उसके बाद जाकर अगर वो कुछ सेविंग्स कर पाया तब जाके वो अपनी जिंदगी में कुछ पैसे कमा पाएगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में तब तक तो उस बच्चे की शादी हो चुकी होती है या फिर उसके भी बच्चे हो चुके होते हैं, इसलिए फिर वो ना चाहते हुए भी इसी मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस कर रह जाता है और ये मिडिल क्लास का चक्रव्यूह ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन भाई इस बीच में एक मजेदार बात पता है क्या होती है, एक्चुअल में कुछ बड़ी बड़ी बैंक्स और कुछ पूंजीवादी लोग बड़े ही चालाकी से हमें ये महसूस ही नहीं होने देते कि हम लोग इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं भाई। जैसे कि मेरे दोस्त मोहित को अभी अभी इंफोसिस में 50,000 रुपए की जॉब लगी। अब क्योंकि हम सब लोग बचपन से गरीबी में बड़े हुए थे इसलिए जॉब लगते ही मोहित ने ये डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ भाई, अब से गरीबी में जिंदगी जीना बंद, आज से अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का समय आ गया। इसी माइंडसेट की वजह से जो मोहित पहले 10,000 रुपए में अच्छे से रह लेता था ना आज उसके लिए 30,000 रुपए भी कम पड़ने लगे थे, क्योंकि भाई अब तक जो मोहित ऑफिस ऑटो या बस में जाता था ना वो अब नई कार खरीदने की सोचता है। अब इतना बड़ा आदमी मोहित अब सेकंड हैंड कार तो खरीदेगा नहीं क्योंकि उसकी शान कम हो जाएगी, इसलिए मोहित एक अच्छी सी नई कार लेने का डिसाइड करता है। लेकिन अब कार खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं तो पैसे लाए कहां से क्योंकि जॉब तो अभी अभी लगी है, तो इस मौके पर एंट्री होती है कार लोन्स एंड होम लोन्स की जो मोहित जैसे व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोगों को बड़े ही आसानी से 10 से 20 लाख रुपए का लोन देने के लिए रेडी ही बैठे होते हैं, जहाँ पे ये बैंक्स और कुछ पूंजीवादी लोग बड़े ही चालाकी से मोहित जैसे लोगों को ये एहसास ही नहीं होने देते कि वो एक तरीके से गरीब है या उनके पास पैसों की कमी है, बल्कि वो उन्हें लोन के पैसे देकर उन्हें इस भ्रम में जीने पर मजबूर कर देते हैं कि वो भी अब अमीर बन चुके हैं, उनके पास भी अब चुटकी बजाते हुए कार और घर खरीदने की काबिलियत मौजूद है, जबकि भाई असलियत में ये लोग हमें चालाकी से इस ट्रैप में फंसा करके खुद अमीरी वाली जिंदगी जीते हैं। जैसे कि अब आप खुद देख लो कि 10 लाख रुपए के बदले में अब मोहित को अगले 5 सालों तक हर महीने करीब करीब 20,500 रुपए के आसपास EMI के पैसे देने होंगे, जिसमें करीब करीब 2.5 लाख रुपए तो उसे लोन का इंटरेस्ट ही पे करना होगा। यानी कि कल तक जो मोहित अपने लिए काम कर रहा था ना अब वो भाई आज से इस लोन देने वाली कंपनी या बैंक के EMI के लिए काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे दूर से देखने पर बस हमें ये लगता है कि हम रिच क्लास में आ गए हैं, लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि हम इस ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि भाई कुछ पूंजीवादी लोगों ने बड़े ही चालाकी से इस मिडिल क्लास ट्रैप को कुछ इस कडर बनाया है कि लोगों को कभी ये एहसास ही नहीं होता कि वो स्ट्रैप या मैट्रिक्स में बुरी तरह से फंस चुके हैं। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए अब तो एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी भारत में आ गई है, जहाँ पे एप्पल के CEO टीम कुक खुद ये बताते हैं कि उनका फेवरेट कस्टमर मुकेश अंबानी या इलन मस्क जैसे अमीर लोग नहीं है बल्कि एक मिडिल क्लास इंसान है। नहीं तो आप खुद सोचो भाई कि ये अमेरिकन तो फ्री में अपने सगे बाप का भी भला नहीं करते, फिर इतने सालों बाद अचानक से क्यों ये इंडिया में एप्पल की दुकान को लेकर आए। इसलिए लेकर आए भाई क्योंकि पिछले क्वार्टर में इंडिया में मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों ने ही जेब में 1.5 लाख रुपए ना होने के बावजूद भी लोन पे या फिर EMI पे इतने सारे आईफोन खरीदे कि एप्पल को सीधा 94 बिलियन का रेवेन्यू हुआ। आप खुद देख लो। और दोस्तों यही स्ट्रेटजी आज पूरा का पूरा मार्केट फॉलो कर रहा है। आज आप चाहे तो बिना कोई पैसे के किसी भी दुकान या मॉल में चले जाओ, अगर आपके हाथ में ठीक ठाक सैलरी हर महीने आ जाती है तो आपको EMI पे या लोन पे दुनिया का कोई भी नया मोबाइल, TV, फ्रीज, AC यहाँ तक कि कपड़े भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कभी ये महसूस ही नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप एक गरीब इंसान है। और ये बात आपको कोई मुंह पे नहीं बताएगा क्योंकि भाई कुछ पूंजीवादी लोग कभी नहीं चाहते कि आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलो। तो अब सवाल ये आता है भाई कि आखिर फिर हम करें क्या? हमने जो बचपन से BMW और iPhone जैसे महंगी महंगी चीजें खरीदने के सपने देखे थे तो क्या उन सपनों को आग लगा दे? तो दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए नवल रविकांत खुद ये बताते हैं कि जब आप एक सुपर बाइक या iPhone खरीदने का मन बना लेते हो ना तब आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये चीज आपको 2 गुना या 3 गुना पैसे कमा करके देगी या नहीं। अगर हाँ तो तब तो आपको तुरंत ही वो चीज खरीद लेनी चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको बस अपने शौक को पूरा करने के लिए वो बाइक खरीदनी है या फिर कोई भी और चीज खरीदनी है तब आपको सबसे पहले एक ऐसे एसेट या फिर इनकम सोर्स को बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए जो आपको हर महीने बिना कोई ज्यादा मेहनत के इतने पैसे तो कम से कम कमा करके दे ही दे, जिन पैसों से आपके उस बाइक या मोबाइल का सारा खर्चा आसानी से निकल जाए, जिससे कि आपकी कोई भी बाइक या कार आपके सर पे बोझ नहीं बनेगी और आपकी सैलरी में भी कोई भी कटौती नहीं होगी। और यही माइंडसेट आपको इस मिडिल
मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेगा। और सच बताऊं दोस्तों, इसी ट्रिक का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसमैन और यूट्यूबर्स भी करते हैं। आप खुद देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। सब अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या है, यही एसेट्स, ये एसेट्स है हमारे, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। गाड़ी घोड़ा यूट्यूबर्स के लिए जो इस टाइप की व्लॉगिंग करते हैं, मतलब कि गाड़ी घोड़ा दिखाते हैं, उनके लिए ये अप्रिशिएटिंग एसेट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई दूसरी ऑडी खरीदी तो वो मेरे को व्यूज़ देगी, व्यूज़ से पैसा आएगा। तो मैं मॉडल समझा रहा हूँ, मैं व्यूज़ से पैसा आएगा। कभी गाड़ी किसी को पैसा देती सुनी है? उल्टा लेती है, तेल का, सर्विस का, मेंटेनेंस का, सारी चीज़ों का। तो ये चीज़ें हमें देती हैं पैसा, तो इसलिए हम लोग इतनी गाड़ी बाइकें जो आप देखते हो ना, बाइक खरीद रहा कोई यूट्यूबर, कोई यूट्यूबर कुछ खरीद रहा, वो इसलिए खरीदता। हम कोई भी चीज़ लेने से पहले सोचे कितने दिन में कवर कर देगी ये सौदा। तो दोस्तों ये रहा हमारा नया एप्पल का नया आईफोन XR। हम ये नहीं तो हम कसम खा बैठे थे, आपको बताए थे कि पिछले वीडियो में जब खरीदे थे बला हम मैकबुक प्रो, तभी हम कह दिए थे कि आज के बाद हम 7 जन्म तक कोई भी एप्पल का सामान नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी खरीदना पड़ा, हो गया ये जो हमारा एप्पल का लैपटॉप हो गया। हुआ क्या, इसको ले तो लिए, जितना का बबुआ ने उतना झुंझुना इसमें खर्चा कर दिए सॉफ्टवेयर अनसर्न लेके, लेकिन फिर भी हमको बाद में इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। बेनिफिट क्या हुआ आपको थोड़ा बताते हैं। अच्छा बेनिफिट हुआ, हुआ क्या कि जो हम वीडियो बनाने लगे स्पॉन्सर वीडियो वगैरह, तो उसमें लोग देखा ये जो नीचे में कि मैकबुक है, तो मैकबुक है, तो स्पॉन्सर वाला बोला आपके पास मैकबुक भी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई मशीन रखे हैं? तो हमने बोला हाँ भाई। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर जो आप PDF एलिमेंट वीडियो एडिटिंग का हेन तेन का प्रचार करते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो डेडिकेटेड, इसके लिए बनाइए, इसके लिए भी हमारा ऐप है, इसके लिए भी खरीदार हैं, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि मैक वाले अमीर होते हैं ना, हर चीज़ पे बात बात पे पैसा उनके लिए कुछ होता नहीं है। तो हमको पिछले दो महीने में इसके लिए इतना स्पॉन्सरशिप किए हैं लगा रगड़ रगड़ के कि इसका आधा पैसा निकल गया है, समझ लीजिए। यानी कि कार या मोबाइल के मजे लेने से पहले ये सभी समझदार लोग इस बात की प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं कि उस चीज से वो 2 गुना या 3 गुना पैसे कैसे कमा सकते हैं। यही वजह तो है कि ऐसे समझदार लोग कभी ट्रैप में नहीं फंसते। अब जरूरी नहीं कि आप भी इनकी ही तरह वीडियो बनाने लगो, बल्कि आप अपने फ्री टाइम में रेगुलर जॉब करते हुए या पढ़ाई करने के साथ साथ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग या ChatGPT जैसे AI की मदद से ऐसा इनकम सोर्स बना सकते हो जैसे कि हर महीने लाख रुपए आपके अकाउंट में आते रहे। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो हमने ChatGPT के ऊपर इसके बारे में एक कोर्स भी बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से उसे चेक भी कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर सच बताऊं तो अगर आप एक ही इनकम सोर्स के दम पर जिंदगी के सारे मजे लूटने की सोच रहे हो तो दोस्त ये चीज तुम्हें जिंदगी भर मिडिल क्लास के ट्रैप में ही फंसा करके रखेगी। यकीन ना आए तो अपने आसपास सर उठा करके खुद देख लेना, सच्चाई तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगी। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्यों कुछ पूंजीवादी लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप इस ट्रैप से बाहर निकले, तो ये सच्चाई आपको इस लेफ्ट वाली वीडियो में मिल जाएगी। बाकी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।